वॉट इज स्टेनो एग्जाम, वॉट इज स्टेनोग्राफर, गवर्नमेंट जॉब क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 क्या है, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो ये एक वीडियो आप लोगों के लिए है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो सबसे पहले स्टेनोग्राफर कौन होता है? स्टेनोग्राफर इज अ पर्सन हु राइट्स शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड भाषा ये उन्हें आती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो शॉर्ट हैंड इवन बिफोर फिलिंग द फॉर्म। जैसे अभी अभी एसएससी स्टेनो का वैकेंसी आई है, ठीक है, आए दिन आपको देखते होंगे आप लोग, कभी राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है, अभी पटना हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है। सो राजस्थान हाईकोर्ट में दो वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग, हाईकोर्ट की अलग। सो हर महीने वैकेंसीज आते रहती है। तो ये होता क्या है? सिंपल है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर्स लिखते हैं, एंड एक भाषा है, लाइक हम पेन यूज़ करते हैं, एंड जो भी बोला जाता है वी राइट दैट शॉर्ट हैंड। इस दो भाषा में होती है प्रचलित, वैसे तो बहुत भाषाओं में होती है, बट इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनो बोली जाती है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं? सिंपल है, थोड़ा सा उर्दू टाइप दिखने जैसी भाषा है, मैं आपको यहाँ पे एक पिक दिखा दूंगा, आप उसे देख लीजिए कि कैसे दिखती है शॉर्ट हैंड। और इस तरह से जब हमें बोला जाता है तो हम उसे लिखते हैं, बहुत ही फास्ट लिखते हैं। नॉर्मल इंसान जो बात करता है, व्हेन अ पर्सन स्पीक्स यूजुअली दे स्पीक एट द स्पीड ऑफ 50-60 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, लेकिन एक स्टेनोग्राफर लिखता ही है स्टार्टिंग में 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है, एंड 80 से आगे जाकर वो 100 वर्ड्स पर मिनट का स्टेनोग्राफर होता है, 120, 140, 160, 180, 200 वर्ड्स पर मिनट, बहुत ज़्यादा स्पीड तक स्टेनोग्राफर्स जाते हैं, एंड इन्हें इनकी स्पीड के लिए पैसे दिए जाते हैं। यस, गवर्नमेंट इन्हें रिक्रूट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट में होता क्या है कि जो बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं वो लोग की एक एक बोली हुई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें कोई चीज़ लिखवाना है तो हर जगह कंप्यूटर और टैबलेट लेके इंसान नहीं जा सकता है, सो कहीं कहीं पे पेन और पेपर लेके जाया जाता है। वहाँ पर ये स्टेनोग्राफर्स जो भी ऑफिसर बोलता है फटाफट उसे एक कोडेड लैंग्वेज में, कोड भाषा है जिसे सीखी जाती है, जिसे सीखने में कुछ 4-6 महीने लगते हैं, ठीक है। अब आपको अलग अलग जगह अलग अलग लोग बात बताएंगे, कोई बोलेगा कि इस भाषा को सीखने में 1 साल लगता है, कोई बोलेगा 8 महीने लगते हैं, कोई बोलेगा 2 साल लगता है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे टीचर्स के पास में हैं, ठीक है। लाइक व्हेन स्टूडेंट्स कम टू मी, जब मुझसे वो लोग काउंसिलिंग करते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि शॉर्ट हैंड आराम से 4-6 महीने में सीखी जाती है, और कैसे सीखना है ये भी मैं उन्हें डिटेल में पूरा रास्ता बताता हूँ, सब कुछ क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज कैंडिडेट हु वॉन्ट्स टू एग्जैक्टली नो कि हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड इन लेस टाइम एंड वेरी इफेक्टिवली, सो मेक श्योर यहाँ पे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है यू सेंड अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल टेल यू दी प्रोसेस कि कैसे आपको शॉर्ट हैंड जल्दी सीखना है, ओके। सो दैट इज अ लैंग्वेज। एंड अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है, ठीक है, हो क्या रहा है कि स्टेनोग्राफर का फॉर्म निकलता है, लाइक लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर, इसका फॉर्म निकला, आपने इसका फॉर्म भरा, अब आपने प्रिपरेशन की CBT के लिए, ठीक है, इंग्लिश रीजनिंग GS, इसमें मैथ्स नहीं आता है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीपल विथ वीक मैथ्स बैकग्राउंड, ओके। अपने फॉर्म भरा और फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू पजेस द नॉलेज ऑफ इंग्लिश / हिंदी शॉर्ट हैंड, जिसमें भी आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप हिंदी में फॉर्म भरिए, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं सो इंग्लिश वाला आप वहाँ पे टिक करिए, ठीक है। ऑल्दो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछे तो आई विल सजेस्ट दैट यू गो फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, अगर आपकी 10th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश आपने पढ़ी है या फिर 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश पढ़ी है, बेसिक इंग्लिश है, जैसे वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इन दिस वीडियो, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से, सो दैट इज द पॉइंट कि यू अंडरस्टैंड इंग्लिश क्वाइट वेल, एंड दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू गो फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश की ज़रा भी समझ नहीं है तो आई विल से यू गो फॉर हिंदी शॉर्ट हैंड, लेकिन स्कोप ज़्यादा इंग्लिश शॉर्ट हैंड का है, बिकॉज आप देखिए मैक्सिमम जितनी भी नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम की, नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम की वैकेंसीज आती हैं, सब कुछ इंग्लिश में होता है। हर जगह गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है? इंग्लिश यूज़ करती है। उसी तरह से डिपार्टमेंट्स में, सिंस आई एम ऑल्सो वर्किंग इन सेंट्रल रेलवेज, सो आई नो कि वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी स्टेनोग्राफर्स आर यूजलेस, वेस्ट होते हैं, नहीं, बट इफ़ यू गो फॉर स्कोप, क्योंकि अगर एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो क्यों सिर्फ एक ही तरफ जाए, एक ही फॉर्म भर के अगर आप ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज को टारगेट कर सकते हो तो क्यों ना जाया जाए, बिकॉज अगर हिंदी शॉर्ट हैंड सीखोगे तो जो नीचे वाले स्टेट्स हैं, लाइक साउथ के जो भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर यू कैनॉट गो, ठीक है। सो वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती है और वो खाली जाते हैं, वैकेंसीज पोस्ट खाली जाती है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड क्यों ज़रूरी है। सो यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ आइदर ऑफ द शॉर्ट हैंड। फॉर्म भरना है, 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, फॉर्म भरने के आपको एग्जाम देना है, एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तब आपको
शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। पहले क्या हुआ करता था कि आपने CBT मतलब प्री एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, टीयर वन एग्ज़ाम दे दिया आपने, इसके बाद में आपको 8-10 महीने साल भर का टाइम मिलता था। तो साल भर में बच्चे शॉर्ट हैंड सीख के बहुत बढ़िया स्पीड लेके आ जाते थे, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होता है। अब जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है, और मैक्सिमम 2 महीने के अंदर, मतलब यू कैन से टोटल मिला के 3 महीने का टाइम मिलता है, 2 से 3 महीने के टाइम के अंदर अंदर शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट ले लिया जाता है, ठीक है। तो 2 से 3 महीने में शॉर्ट हैंड सीख कर स्पीड बढ़ाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करो, मतलब अभी जैसे फॉर्म आने को टाइम है, फॉर्म या फिर आ चुका है, तो फॉर्म जब आपने भरा और आपने अभी से शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर दिया, सो देर इज सम चांस, ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट देर इज सम चांस कि यू माइट इवन क्लियर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट ऑल्सो। एंड ये एग्जाम्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है, किसी अच्छे मेंटर से गाइडेंस लिया है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, और इसके बाद में आप शॉर्ट हैंड का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही शॉर्ट हैंड का एग्जाम आपने दे दिया, आप क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके मार्क्स नहीं होते हैं, बस आपको जो स्पीड पे बोला गया है आपको स्पीड पे शॉर्ट हैंड लिखनी है, ठीक है। अगर शॉर्ट हैंड आपने लिख दी तो इजीली आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, एंड इसके बाद में होगा क्या, आपको एक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया कि क्या मोटा मोटा प्रोसेस होता है, पहले CBT, देन स्किल टेस्ट एंड देन जॉब। ये 2 से 3 प्रोसेस में बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। और इवन अगर आप लीगल साइड में जाना चाहें, कोर्ट में जाना चाहें, तो कोर्ट में बहुत बार ऐसा देखा गया, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की भी वैकेंसी आई है, कोई एफिशिएंसी टेस्ट नहीं कंप्यूटर पे, कोई आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं, कोई आपका इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं लिया जाएगा, कोई CBT नहीं, इंग्लिश रीजनिंग GK कुछ भी नहीं, और एज लिमिट बहुत ही ज़्यादा, 40 साल के UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स तक इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। सो अगर आप शॉर्ट हैंड नहीं सीखे तो आई विल से हाईली रिकमेंड कि जल्दी से शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई अदर वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पे आते रहेंगे। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विथ योर पेरेंट्स, अपने मम्मी डैडी के साथ में जरूर शेयर कीजिए, जो आपको बोलते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, सरकारी नौकरी। सो मैं खुद एक स्टेनोग्राफर हूँ सेंट्रल रेलवे में, सो आई एम सेइंग कि बहुत ही जल्दी आपको जॉब लग जाती है कंपेयर टू बाकी एग्जाम्स, ठीक है। सो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो अमंग योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, अदर रिलेटिव्स, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आपको स्टेनोग्राफी रिलेटेड, करियर रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे मिलने वाली है। एंड ऑल्सो चेक आउट माई अदर चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, बहुत सारे लिंक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।